मेरे कई रिश्तेदार है वो इतों मेरे वाल देख के चलो कहते हैं भी पर वो दिमाग का इलाज नहीं कराते, वो नशे का इलाज कराते हैं। तो नशे का कोई इलाज होंगे नहीं नितर, मैं उन्होंने नहीं समझा सकिया। मैं कहा चलो ता बंदा ठीक हो जाएगा, तुम इस तरह करो पांच मंगलवार ते पांच शुक्रवार। कहते फीस कि? मैं कहा फ्री कि नहीं? पांच मंगलवार ते पांच शुक्रवार। कहते किन्नी फीस? मैं कहा फ्री। कहते किन्ना चिर? मैं कहा 2 घंटे, 2 घंटे मंगलवार ते 2 घंटे। उन्हां दे बंदे मर गए पर उन्हां को टाइम नहीं लगा, बंदे मर गए। मेरे को भी गलती होगी, मैं उन्होंने ये कहता भी दिमाग का इलाज होना, नशे का इलाज नहीं होना। वो कहते नशे का इलाज नहीं होना तो फिर आप आना क्यों? वेखो तो मतलब कि फैमिली वास्ते ये चीज़, पेशेंट की तो गल छोड़ो, फैमिली वास्ते ये चीज़ समझनी मननी बड़ी औखी आ भी ये एक दिमागी बीमारी है। वो जी चीज़ मैं एक्सपीरियंस की ना ये आ भी जिन्ना मरीज बीमार आ ना उस तो थोड़े बहुते वध घर दे बीमार है, घट नहीं है। क्योंकि एक बीमार बंदे ना रेंदे रहा जेड़े उन्होंने प्यार करते ना वो ना रेंदे आ वो भी बीमार हो जाते। इस करके फैमिली इंटरवेंशन बहुत जरूरी आ भी जे फैमिली इतने बैठेगी ना तो कुछ स्टेबल होगी, कुछ स्किल सीखूगी भी असी अपने मरीज़ को किस तरह ठीक करना या इन्हू किस तरह ठीक रखना। एक बीमार बंदे की दूजा बीमार बंदा मदद नहीं कर सकता, वो की करेगा? वो या अपने तरीके नाल जो भी करेगा ना वो या नेबलिंग होएगी तो या प्रवोकिंग होएगी, या लाड़ प्यार बहुत ज़्यादा होएगा, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार होएगा, वो हर गल मनी जाएगी, तो या घर दे कर जा दफा हो साडी वालों भावें मर जा के बस। मिड वे ना जेड़ा स्किलफुली टफ लव आ सीखना फैमिली ने, यह सीखना फैमिली ने। निशान सिंह के बच्चों ने भी यही सीखा वा, मेरे घरद्या भी यही सीख्या, हूँ तक भी सीखते पे। एक यहोजी बीमारी आ जिदा इलाज सारी उम्र चलना। मैं ना कल भी कहा कि अज मैं फिर नितिन कहना, पता नहीं कहो जहा लगेगा पर हैगी गल सच्ची आ। जिहड़ा एक बारी इस हस्पताल च इलाज वास्ते आ गया ना उन्होंने सारी उम्र आना पैना, वो ये हस्पताल नहीं छड़ सकता, ये कुर्सियां नहीं छड़ सकता, ये स्ट्रक्चर नहीं छड़ सकता। मैं जिन्हें भी रिलैप्स वेखे ना, चाहे मेरा भी रिलैप्स रहा, मतलब कि जो तुम ये कुर्सी छड़ी ना जो ते मन च ये विचार आ गया ना भी मैं हूँ ठीक हाँ, या घरद्या ने कहता साडा बंदा ठीक है, ये एक रिलैप्स की स्टेटमेंट है, एक रिलैप की स्टेटमेंट है। ये बंदा कभी ठीक नहीं हुंदा, हमेशा ठीक रहा जाता। वालिया साहब तो यही कहते हैं भी ठीक रहा जा सकता बस। तो ठीक रखने वास्ते जेडे स्किल सीखने पैंदे आ वह जिंदगी जीन वास्ते स्किल है। क्यों नितिन जी? सर ताई तो कोई यही कहता आई एम रिकवर्ड एडिक्ट, सारे बंदे यही कहते हैं जिन्हें कि जिन्होंने पता है प्रॉब्लम के बारे दैट आई एम रिकवरिंग एडिक्ट। नितिन प्राइम मिनिस्टर एक्स हो सकता ही, प्रेजिडेंट एक्स हो सकता ही, सीएम एक्स हो सकता ही, एक डिक्ट कभी एक्स नहीं हो सकता। क्यों हो सकता? पॉसिबल नहीं है सर। भी मैं अडिक्ट सी जच की गल है भी मैनू शुगर होंगी सी होया, मैं कभी हार्ट अटैक का पेशेंट होंदा सी, इज इट पॉसिबल? ना यार ना। मैं किसी वेले लिवर का पेशेंट होंदा सी ना, ये कभी है ही नहीं। जे तू एक बारी बीमार हो गया ना, मैनू तो यह लगता वा भी शरीर की जिहड़ी भी बीमारी आ ना, कोई बीमारी होवे उहदे विच रिलैप्स हो सकता, कोई बीमारी हो जाए। मैं तो यह देखता भी जे तुहाडियां हड्डियां कमजोर है, तुहाडा एक जगह फ्रैक्चर होया, वो दोबारा उस जगह तो फ्रैक्चर हो सकता, रिलैप्स हो सकता। तुहाडे शरीर के किसी हिस्से जे नुक्स पै गया ना, तुसीं जिन्ना मर्जी ट्रीटमेंट करा लो रिलैप्स हो सकता।
ਕਿ ਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਰਿਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕਿੱਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦਮ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੂਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਜਿਡ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸੈਂਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, 5 ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ, ਕਿਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈਰਮੀਟੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਹੈਰਮੀਟੇਜ ਭੇਜਣਾ ਭੇਜਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਆਓ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਮਦਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿਉ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਹੈਰਮੀਟੇਜ ਆ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪਵਨ ਜੀ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਰੇਂਜ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਵੱਜਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਢਿੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਓਏ ਬਸ ਕੀ ਸੋਚਣ ਡਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੇਡਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਿੱਲਫੁਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕਿੱਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕਿੱਲਡ। ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਫਲਾਅ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨਿਤਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਵਾਈਫ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਪਿਓ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
फिर कितना आजूगा, कितना आजूगा यार, दसो मैं। मान लो वह इलाज हो गया, जे वो प्यो प्रति नफरत है तो वह कितना निकलूगी, इधर कितना निकलूगी। सर मैं थोड़ी जी अपना व्यू दवा इन कर। हाँ सर, जरा कि एक अपना वाइफ है जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक है अपना, जो वो स्टैंड लेती है तो आप एक वो को अपना टाइम देते हैं, एक महीना दो महीना तीन महीना, जो हस्बैंड है वो कम कर रहे हैं अपना इन हर्मिटेज, वो कम कर रही है इतने अपना इन दीज मीटिंग्स, बाकी की जी फैमिली है एटलीस्ट को टाइम मिल गया फैमिली इनवॉल्व कर किसी वे इंटरवेंशन कर किसी वे हो तो सकता है। सर बाईचांस जेकर एक जी वाइफ है या मदर है इस गल थोड़ा जहा अपना इस स्टैंड लैके आप सपोर्ट दे के कुछ इनवॉल्वमेंट कर लीए। नितिन मैं तेन एक गल दसा, डॉक्टर रिस्क त लेंदा जो सारी फैमिली नाल हो। पहली गल तो पेशेंट नहीं मानता पाया, पेशेंट क्यों नहीं मानता पाया, पेशेंट थ्रैट क्यों कर रहा, उन्होंने पता मैं घर दू दुक्का मारिया, मैं जो दुक्का मारिया घर दे मेरे को डर जाते हैं, सारे पेशेंट कर रहे पर फैमिली तुरे ना, वो फैमिली आप चार फोन किए ना, वह फादर आया ना वह ब्रदर आया ना वो मदर आई, फिर उस वाइफ की गलती है ना। ना मैं नहीं कह रहा वाइफ की गलती है, मान लो वाइफ फंड हायर कर लेंदी है कि तो अरेंज कर लेंदी है, उन्होंने हैरीटेज भेज दें, बंदा थोड़ा बहुत ग्रो करता ठीक है, पर जाना तो उन्हें उस घर जाना। समझ तू गल, पेशेंट नहीं मानता, फैमिली मानती है काम हो जाएगा, पेशेंट नहीं मानता, घर तो घर तो छे जी आ, एक जी मानता पाया, वाइफ मानती पी है, पर वाइफ ने कितना कितना फंड भी तो लेने हैं ना। सर मेरे ना लेने हो रहा सी, मैं ताई तो बोल रहा था, मेरी सारी फैमिली एक पास सी, ए नम्रता बहुत वन सही, ओ नम्रता बहुत स्ट्रांग है, नम्रता पूरी लै यार, बंदे दी अपनी परसनैलिटी नम्रता इन्नी बीमार नहीं है, उसकी वाइफ बीमार है, उसकी वाइफ कहती है सर मैं 50-50 चांस लगते हैं, दस वाइफ कह रही है मैंने 50-50 चांस लगते हैं, तो मैं 1% भी उम्मीद नहीं है, मैं हूँ उन्होंने की कह, मैं कहा ठीक है जी। दूजी चीज़ एक और घुंडी है, घुंडी यह आ भी जे अज पेशेंट को रजामंदी ना भेजांगे ठीक है ना, मैं ट्रीटमेंट ने अपनी साइड भी देखनी है, असी साडा परपज बंदा ठीक करना ठीक है ना, आप कलैश नहीं पैना, जे पेशेंट आज रजामंदी ना साढ़े को जाता वा हसदा खेडता जाता है किसी 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 मतलब कि चंगे माहौल से जाता है, कल वह रिलैप्स होगा फिर इधर आजूगा, गल समझ। तो जे अं पेशेंट ना जबरदस्ती उन्होंने भेजते हाँ या जब पेशेंट ना मंगा लेंगे हाँ वो तो फिर इतने कभी आएगा ही नहीं, ये भी तो एक क्यों जी ये नेगेटिविटी है। सर स्टार्टिंग का साल बहुत टफ होता है, हाँ उस टाइम पे फैमिली को साथ, क्योंकि नो मोमेंट्स बहुत आने हैं, रिलैप्स एक सब्सटेंस का होना जरूरी नहीं होता है, रिलैप्स वैसे बड़ी सारे वीक एक्शंस भी हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली से भी क्योंकि दोनों ग्रो कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे वो अकेली वाइफ ही संभाल पाएगी, नितिन जिन्होंने 5 दिन हो गए इतने एक बार नहीं आए दस हाँ बिलकुल 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 हाँ बिलकुल बिलकुल वाइफ कहती इतने एडा वधिया माहौल है मैनू बहुत कुछ सीखने मिलिया, वो कहता मैं तेन कहता ना मेरा मन पक्का हो गया, अभी कहा ठीक है यार ठीक है तेरा मन पक्का ही है सानू की लोड़ कहन, हाँ जो होना वो तो होना ही तुम देता ही पाया वा,
तो कोई गल नहीं, अगले स्पेस दियो करके देखे, जो डिगेगा तो फिर कोई गल नहीं, फिर फैमिली भी नाल आऊगी, जो कोई होर अस्पताल जाना पेगा आईसीयू जाओगे फिर घरद पता लग जाएगा, घरद भी उन्होंने चेर पता नहीं लगता। पर उन्होंने एक साइड तो देख ली ना, वो वाइफ ने चीज़ तो एक देख ली ना भी एक जगह हैगी जिते बंदे ठीक होए आ, वो वाइफ ने चीज़ सारी देख ली ना भी उस जगह के बंदे ठीक होए आ, ये पॉजिटिविटी। वो कहें जो इन्हें 19-21 की मौसम वाले चुके लै आना इन इतने ओके, मतलब कि ये तो जिदा टाइम जो आना उदों ही आना, सारे पासे वेखने पैंदे। डॉक्टर फैमिली की रिस्पोंसिबिलिटी भी लै सकता, फैमिली का काम फैमिली ने करना, सारे आप अपने एंगल से काम करेंगे तो काम सौखा हो जाऊगा, हुण सारा डॉक्टर ते भार पाऊगा तो डॉक्टर फिर की करूँगा, गल समझ ना, डॉक्टर ने भी तो रात सोना ही है, बहुत ज़्यादा फैमिली की मेहनत, मनीष जी बंदा डिगेगा फैमिली तो पता लगेगा तो फिर वो दोबारा आएगी ना, तो कोई गल नहीं, पहली बार तो किसी ने भी नहीं समझ आती, मैंने भी नहीं आई। सो मेरा एक्सपीरियंस ये आ भी फैमिली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, फैमिली तो बगैर बंदा ठीक नहीं हो सकता। अज कई केसिस दे विच बंदा नहीं आया, कल्ली फैमिली आई तां भी बंदा ठीक हो गया, फैमिली ऑनेस्ट होएगी बंदा ऑनेस्ट हो जाएगा, फैमिली सच बोलेगी पेशेंट सच बोले, जो जो फैमिली करी जाऊगी बंदा उन्होंने मगर मगर जाई जाऊगा, बस जिते फैमिली ने चलाकी की बंदा तो पहला चलाकी नहीं तैयार है, बंदे तो हमेशा अंदर एक चीज़ चलती रहती आ भी डॉक्टर का तो फैमिली का किस टाइम स्यापा पवे, कोई ना कोई मैं वीक पॉइंट लभा, यह दवाई इस तरह की आ, दवाई ना मैं मोटा हो गया, यह दवाई ना मैं शाइया पै गई, यह दवाइया ना मैं सुस्त हो गया, यह दवाई मैं उठन नहीं दी सवेरे, आ बड़ा चीज़ है, यह सारिया चाल वा भी कहन भी अच्छा फिर होर कितों इलाज करा दिए, फिर होर कोई डॉक्टर बदल दिए, डॉक्टर बदल दिए, वो सारी कहानी के पिछे एको गल सुननी चाहता हूँ, अच्छा फिर रह नहीं देंगे भाटिया क्या जी, अच्छा फिर डॉक्टर होर कोई वेख लेंगे, अच्छा जीभ वाली गोली ना शुरू कर दी है जीभ के थले वाली, चल क्यों पवन जी, क्योंकि मरीज वास्ते ये काम औखा, मरीज वास्ते कल्ले वास्ते ये काम औखा, उसके वास्ते ही गल ही नहीं हैगी, बीमारी ने उन्हें यहोजे चक्कर च फसाया, उसके वास्ते ही गल ही नहीं हैगी, मैं नहीं मानता भी कल्ला मरीज कुछ कर सकेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता, हाँ कि बहुत कृपा हो, पर वो भी बंदे ना, वो भी बंदे मैं देखे है जेडे बंद ने कल्या फाइट की ना, उन्होंने फैसले गलत हो गए, नहीं तो उन्होंने डिसीजन पावर तो जजमेंट पावर वो बेचारे होर किसी चीज़ च फस गए, नशा उन्होंने नहीं किया पर जिंदगी बड़े बड़े गलत फैसले कर ले, जे जद के वो हम उन्होंने नशे तो भी वध भुगतना पैन दिया, फस गए साडे बंदे इत्थे आंदे सी जाने कल्या ने फाइट की, कल्या पहला फाइट नहीं कर सकता, बीमारी से नैगटिविटी बहुत है, उस नैगटिविटी दूर करने वास्ते तुहानू फैलोशिप चाहिए चाहिए, क्यों जी की विचार तुहाडा, मेरा तो एक्सपीरियंस यह कहता, हाँ फैमिली इकट्ठी हो जाए तुहाडा बंदा तू ही बचाउणा जे, मैं तुहानू दसदा एवें कोई 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 उत्थे जादू नहीं जी होना, बाकी बीमारियां जादू हो जाता होगा, इत्थे जादू कोई नहीं है, मैनू भी बड़ा चिर इस चीज़ का रहा भी मैं एक दिन यहोजे डॉक्टर को जाऊँगा मैं टीका लाऊगा यहोजा तो मैं सवेरे उठूँगा तो जिस तरह कभी नशा किया ही नहीं, इस तरह नहीं होया मेरे ना तो नहीं इस तरह होया तो ना होता ही है, ये वास्ते मेहनत करनी पैंती है, रोज़ रोज़ मेहनत करो रोज़ रोज़ फल मिलता, इत रिकवरी काम आती इत काम आती घर उस कहते अच्छा हम दसो की करिए, कई घर के एडे सियाने वो डॉक्टर रोज आके रिपोर्ट देंगे, मैं योजे भी देखे आ कोई मरीज वीक एक्शन करे वो आके दस देंगे जी आता जी इन्हें अज आता जे और मरीज तो चोरी आके दस देंगे, वो फिर कोई इन्नी इन्ना नुकसान नहीं होता, वो पहला ही प्रोएक्टिव दसना पहला ही मसला सामभिया जाता, पर यह सारी स्किल घरद्या ही है फैमिली है, पवन मेन गल पता की जी सब तो वह चीज़ मारती है
ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫੀਮ ਛੱਡੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਹੁਣੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੀਮ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਓਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਡੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ? ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੁੰਗਾ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਰੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਫਲਾਅ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਕ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੇਨ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰਿਲੈਪਸ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲਾਤੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ। ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਨ ਕਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮੀ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਜਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਦਵਾਈ 'ਚੋਂ ਰਿਆਇਤ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਵਰਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ 30-35% ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਸਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਪਰਪਜ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 4 ਘੰਟੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 4-4, 6-6 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਦਾਊਟ ਪੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬਚਣਾ ਮੈਂ।
फिर जब तक मैं थोड़ा जहा पक्का नहीं होया तद तक मैं गया ही। मैं परपज रखा भी पहला जान बचानी है, जग जीरिया के मेले होंगे बस जान बच गई सब कुछ हो जाएगा। अं जो खिलारा ज्यादा पा देने आ भी हो जाए आ भी हो जाए घाटे पूरे हो जाए हूँ कोई काम कार कर आ पेशेंट की ओनी कपैसिटी होती नहीं वास्ते गल नहीं होंगी। वो वेखन लगता हों बंदा ड्यूटी जा रहा तैयार शहर हो रहा आ कर रहा पग बन रहा वाल संवार रहा शेप कर रहा मुछा ता चुक रहा आ कर रहा पर हों कुछ नहीं ना कुछ नहीं हों इमोशनली जीरो ही हों परिवार नहीं कर सकता पवन इस करके हरमीटेज है जिहड़ी चीज हरमीटेज चो मिल सकती ना वो कितों नहीं मिल सकती। फैमिली को स्किल नहीं है फैमिली को दो चीजा वा वो अनऑर्डिंग जा कह देते जा प्रोवोकिंग जा नेवलिंग मैं दौड़ पेशेंट भी चलना ही पैंता है पेशेंट भी चलना पैंता मेरा एडवांटेज बड़ा से एडवांटेज ये भी मेरे पैसे पक्षों भी टुट गया सेहत पक्षों भी टुट गया बेइज्जती भी मेरी बड़ी हो गई सारे रिश्तेदार ही मिल के चले गए चीज़ मैं अंदर सुटदा हाँ पानी पानी बाहर आता ही बुरे हाल से बौके दिहाड़े तो मरदा की नहीं करता मरदा की नहीं करता मेरे तो पल्ले कख नहीं गिरिया पर शायद परमात्मा की कृपा मैं कह सकता फिर यही हो सकता फिर ओदी कृपा फिर यही कह सकते सर ये जिहड़ी है ना तुसीं गल कर रहे हो इहनूं अंग्रेजी च कहिंदे रॉक बॉटम ठीक है ना जो बंदे थल लग जांदे हुण जिहड़ी रिसर्च आ रही है जिहदे करके अपना असीं करदे इंटरवेंशन इंटरवेंशन च की है जिहड़ा कि एक बंदा एडिक्ट हुंदा है ना ओहनूं अपनी इह स्टेट जिहड़ी है छेती तों छेती दिख जाए जो बजे आया सवेरे तेरा ती 8 बजे मैं दाखिल किया मैं पक्का पता लग गया भी खास गल ही मेरे मैं सीरियस ही हाँ ता करके डॉक्टर दाखिल नहीं कर मतलब कि बंदे नूं पता लग ही जाता 10 बारी मेरा बीपी चैक होया 10 बारी मेरी पल्स चैक हुई और जिते दवाई नहीं मिलती पहला कुकर से इतने एक बेंच डटिया हुंदा सी उत्ते मैंने लम्मा पाया सी ते मेरी पेंट के उत्तों टीके लाए जे पजामे के उत्तों टीके लाए इन्ना बुरा हाल सी मेरा मेरा शरीर नहीं खिलौंदा इन्ना बुरा हाल सी इधर मैं अज भी याद करदा ना मैं कम जाना बहुत औखा जिवें कि पैनक्रिया पैनक्रियाटिक डैमेज के बारे गल करते हैं ना हाँ तो कहते भी मैं बहुत पेन होंगी हाँ ये पेन ही तुहाडी अपना फायदा मतलब तुहानू अपना इलाज करा के फायदा किया होगा हाँ योर पेन इज योर लाइफ नितिन फिजिकल पेन साइकोलॉजिकल पेन मेंटल पेन इमोशनल पेन फाइनेंशियली पेन स्पिरिचुअल पेन किनिया पेनज है सारिया एडिक्ट होंदिया एक अडिक्ट सारिया पेनज हों ना वो इज्जत होंगी ना कोई समझता घरद्या तो उन्होंने आस होंगी घरद्या वैसे चित्र लाया हों वो डरता मारा घर ही नहीं आता जे आएगा तो घर आने जोगा होएगा तो होएगा बहर जाने जोगा होएगा क्योंकि वो चीज़ ही इको ही आता सारा इको ही इमोशन आता ही नहीं तो उन्होंने कुछ महसूस ही नहीं हों को उठा नहीं जाता ये मजबूरी है ना वो बेबसी की करे घरद तो आस होंगी घर चीज़ को अंडरसटैंड नहीं करते घरद अवेयरनैस नहीं की।